अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक पीपल। पीपल्स, इस वीडियो में हम लोग वैलिडेशन को कवर करेंगे। तो मैं अब अपने पुराने वाले कोड पर आ जाता हूँ जो मैंने लाइव टाइप किया था। उसको भी ख़त्म करता हूँ, उसको भी ख़त्म करता हूँ। जैसा मेरा पुराने वाला कोड था, इसी तरह का मैंने इसको कोड बना दिया। चले, जब मेरा पुराना कोड था सब ने इसको पुराना बना दिया। अब सबसे पहला काम, मुझे कनेक्ट डॉट पी एच पी में जाना होगा। मैं काम करता हूँ, बिकॉज जो ये को है काम गया, इसको कनेक्शन और कनेक्टेड टू डेटा बस मिटा देगा। अच्छा नहीं लग रहा। चले, अब हमारा काम रेडी। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन फटाफट करेंगे टाइम वेस्ट किए बगैर। उसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, यहाँ पे इफ करूँगा मैं वैलिडेशन, ये कॉपी करूँगा यहाँ से, मैं रिमूव करूँगा फटाफट से। मैं इसमें बनाऊँगा नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी नेम अगर खाली, हम नल भी दे सकते हैं लेकिन मैं फिलहाल अभी इजी के लिए ये दे रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ दूंगा हेडर, लोकेशन इंडेक्स डॉट पी एच पी, लेकिन मैं बता तो मैं क्या करूँ, ई डबल आर हेडर। ईमेल, ओ नेम इज रिक्वायर्ड। ओके, मैं चाहूँ तो रिक्वायर का एक फंक्शन होता है जो पी एच पी का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ओ या एच टी एम एल फाइव का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि रिक्वायर्ड का टाइप का होता है। इनपुट में टाइप करते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का तो वो फ़िलहाल मैं उसमें टाइप नहीं कर रहा, वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं खुद की वैलिडेशन कर रहा हूँ जो कि पी एच पी में की जाती है। और इसलिए मुझे पी एच पी बहुत पसंद है कि पी एच पी में वैलिडेशन बड़े आराम से हो जाती है। फिलहाल जावास्क्रिप्ट में भी आराम से होती है, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट की तरह पी एच पी पसंद है, अपनी अपनी पसंद होती है बस। और इसके बाद मैं एक और एल सेव करूँगा, उसको मैं कॉपी करूँगा, कन्फर्म दूँगा। सही है, यहाँ पर मैं दूँगा सी ओ एन एफ आई आर एम कन्फर्म ई मेल इज रिक्वायर्ड। अब एक और मेरे को एल्स इफ करना होगा, जो कि मैं चाहूँ तो उसके अंदर भी इफ दे दूंगा तो सब साथ में चेक करेगा, लेकिन जैसा अगर मैं इसमें इफ दे दूँ, इसको इफ दे दूँ तो फटाफट साथ में चेक करेगा, लेकिन एल्स इफ सही रहता है, एक एक करके चेक करेगा वरना मसला देगा, वो एक साथ सारी वैलिडेशन दे देगा। कन्फर्म ई मेल, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं कहूँगा नॉट इक्वल टू ई मेल, ई मेल डज नॉट मैच, मैं पे दूंगा ई मेल डेसेंट डज नॉट, यानी उसको बोलते थोड़ी रिक्वायर्ड जो है मैच मैच सही है। इसके बाद मैं एक और एल सेव दूंगा, थोड़ी मैं यहाँ से दूंगा एल सेव उठाऊंगा पूरा और यहाँ पे लाके मैं इंशाल्लाह वीडियो पर ट्यूटोरियल भी लगा, इंशाल्लाह मैं लेक्चर वीडियो पर ट्यूटोरियल्स का होगा, तो बीबस आप हमेशा बने रहिए क्योंकि मैं वीडियो पर पूरा ट्यूटोरियल ला रहा हूँ कि वीडियो बेसिकली क्या है, कब आया और उसकी क्या हिस्ट्री है, और क्यों इसको ज़रूरी कहा जाता है और क्यों उसको यूज़ किया जाता है और फ्यूचर में इसका क्या रोल होगा। इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको बताऊँगा मैं पूरा, इसके मुताबिक पूरा हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर लेक्चर जो मेरा आएगा, ट्यूटोरियल आएगा, वो इंशाल्लाह यही होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं इंशाल्लाह देखूंगा, तो हो सका तो मैं पीएचपी पर भी ट्यूटोरियल ले आऊँगा, ताकि जो लोग पीएचपी नहीं जानते उसको शुरू से लेकर एंड तक मैं पीएचपी समझाऊं। वो बेसिकली बहुत सारी वीडियो पर होगा, उसमें इंशाल्लाह पे प्रोजेक्ट भी कवर करेंगे हम, एक पूरा प्रोजेक्ट होगा वो मैं आपको बताऊँगा क्या होगा बाद में। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म ई मेल डस नॉट मैच, मैं यहाँ पे ई मेल डस नॉट मैच मैं उसको कॉपी करूँगा टाइम के सेविंग के लिए, ई मेल डज नॉट मैच है मैं सोचूंगा, यहाँ ऊपर से मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ ला कर पेस्ट करूँगा और यहाँ ला कर पेस्ट करूँगा फटाफट से। और मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड दूँगा, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड कन्फर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, और मैं इसमें डजन मैच के साथ कॉपी, क्योंकि उसमें टाइम बचा रहा हूँ। पासवर्ड डज नॉट मैच, अब ये यूज़र इस वैलिडेशन को मुझे अगली जगह पे ले जाना है, लाइक इंडेक्स डॉट पी एच पी पर ले जाना है, और मुझे यहाँ ला के इसको
कर देना। अगर मैं चाहूँ तो मैं इफ़ भी दे सकता हूँ, और भी बस एक चीज़ और। हाँ, ये मैंने जहाँ इसको स्टार्ट किया था, उसके बाद मुझे इसको कॉपी करना है पूरे कोड को, और जहाँ ये कोड ख़त्म हो रहा है ना इफ एल्स का, या आखिरी में मैं दूंगा एल्स, वरना इस कोड को आप चला दो, ख़त्म। इतना सा काम है। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा गेट का वेरिएबल होता क्या है, जो पिछली वीडियो में हमारा नहीं हुआ था कवर। मैंने पोस्ट का अब तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, बस अब मैं गेट का करूँगा। ये जो आई डी यू आर अवेलेबल जो मैंने बताया था, वो गेट के जरिए कॉल की जाती है। ख़त्म करता हूँ, और मैं अब इंडेक्स डॉट पी एच पी में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं सबसे पहले देता हूँ एक, मैं काम करता हूँ कि मैं नीचे करता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा इसको H3 देता हूँ, और यहाँ पे पी एच पी स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इको दूंगा, और ऐड का साइन, तभी ऐड का साइन नहीं दूंगा, क्या होता है ऐड का साइन नहीं दे तो फिर बताऊँगा, ERR, और उसको एंडिंग कर दूंगा। बस इतना सा काम है उसका। आप चाहें तो कोई स्टाइलिंग देते, लाइक मैं अभी ये इनलाइन स्टाइल शेड्यू इनलाइन सी एस एस यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई आप एक्सटर्नल या कोई भी यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है, मैं इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ। कलर रेड, फॉन्ट साइज 10 10 px एंडिंग, या फॉन्ट साइज सेंड देते हैं, खाली कलर कर देते, क्योंकि फॉन्ट साइज तो फिलहाल ऑलरेडी बड़ा ही होगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या एरर है। ये एरर दिया कि देखिए, अगर मैं ऐड का साइन इसको लगा दूँ, यानी जब ये वेरिएबल एक्टिव हो तभी चले। तो मैं फिलहाल, मैंने इनलाइन फिलहाल बहुत बड़ी है, तो फिलहाल मैं इसको काम करता हूँ, भेजता हूँ फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ जी, उधर मैं यहाँ पर दूंगा फॉन्ट साइज 35 px का सारेगा, कहाँ चला गया। अच्छा, मैंने ऐड का साइन दे दिया था, मैं भी फिलहाल ऐड का साइन हटाऊंगा, और मुझे ख्याल की साइज सेट करनी है, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत से ज़्यादा बड़ा, 20 px का सारेगा। चलें आप, ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐड का साइन दूंगा, और अब मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और सारी फील्डों पर अप्लाई करता हूँ। तो मैं फिलहाल ये बाबा इशू बीच में आता है, मुझे बहुत बुरा लगता है विंडोज 7 का, पता नहीं क्या है ये सिर्फ रिकॉर्डर का, पता नहीं कुछ बोलता ही। अब देखिए, अगर मैं उसको रिफ्रेश करूँ तो कोई मुझे मसला नहीं दे रहा। अब जैसे मैं क्लिक करूँगा, देखिए क्या होता है। तो ये इशू मेरे ख्याल में, हाँ, सही 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 इशू है ये इशू, मसला ये नाम का, एक ही नाम मैंने दे दिया है तो इसका इशू। सो यूजर्स, ये इशू इस बात का है कि मैंने, देखिए मैंने सब में प्रिंट कर दिया, देखिए सब में मैंने इसको इको कर दिया है, तो फिलहाल मुझे इसको सबको यहाँ से हटाना होगा। अगर वो आप अलग अलग, यानी इधर नीचे शो कराना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग नाम देने होंगे। यू आर अवेलेबल, मैंने एरर दिया है, तो आप कोई भी नाम से कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं जब पी एच पी ट्यूटोरियल लाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो अच्छी बात है, वरना मेरे उस का इंतजार करिए। अगर आप खुद सीखना चाहते हैं तो php.net आपके लिए अल्फा फेडीए सीखने के लिए, और WT स्कूल पे भी सीख सकते हैं आप, बाकी ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी बहुत मिल जाते हैं, आप उस पर देख लें। तो मैं यहाँ पर, जैसे आप टेबल देखें, तो मैं यहाँ पर वैलिडेशन करना चाहता हूँ कि बटन के नीचे वैलिडेशन हो तो अच्छी लगेगी, बटन के नीचे वैलिडेशन हो। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल काम है मुझे करना है, वो है मुझे बिल्कुल नीचे जाना है, बटन में ख़त्म हो रहा है, फॉर्म ख़त्म हो रहा है, पहले तो मैं इधर जाऊँगा, इधर मैं खाली php इको करूँगा, और वही ऐड का साइन दूंगा, और इधर करूँगा गेट, और मैं इधर ERR जो मैंने वहाँ पे URL वेरिएबल का नाम दिया है एरर, उसको मैं यहाँ कॉल करवा रहा हूँ। तो फिलहाल अब मैं वो स्टाइल शीट दूंगा, यहाँ पे कलर रेड दूंगा, और मैं इसका फॉन्ट साइज दूंगा 20 px एंडिंग। चलिए, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ऊपर देखे वेरिएबल में URL शो कर रहा है। अब मैं अगर क्लिक करूँ तो देखे नेम इज रिक्वायर्ड, ये ऊपर क्यों चला गया भाई, मैंने तो नीचे दिया है, वो मैंने टेबल के अंदर नहीं दिया, सॉरी, मैं टेबल के बाहर दूंगा इसे। रिफ्रेश करूँगा,
अगर आप देखें, अगर आप इसको इधर से इधर लाना चाहते हैं तो वही क्लास मौजूद है आपकी बूस्ट टाइप की सेंटर ब्लॉक थोड़ी थे, तो टैक्स सेंटर, तो मैं टैक्स सेंटर तो भी तो देखे सेंटर में आ गया। सही है, तो इस तरह आप इसकी वैलिडेशन का मैं यहाँ पे नाम दूंगा अवेश जावेद। तो देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड, और एक सेकेंड व्यूअर्स, व्यूअर्स जब हम क्लिक करते हैं इस पर सबमिट के बटन पर, देखिए अब मैं यहाँ पे मैंने अवेश टाइप किया तो ये टैक्स रिमूव हो जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल काम है इसका। मुझे तो जल्दी कमेंट करना होगा, अजान हो रही है, और तो यहाँ पर सिर्फ मुझे छोटा सा काम करना होगा, उसके बाद मुझे आईडी के बाद एक वैल्यू है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है व्यूअर्स, वैल्यू, और यहाँ पर मुझे PHP देना होगा, यहाँ पे इको करना होगा उस वेरिएबल को जो मैंने नेम का वेरिएबल दिया था, आपको याद होगा। मैं ऑल टैक्स को नाउ कॉपी आइट, आई एम कॉपी ऑल टैक्स एंड पासवर्ड मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि पासवर्ड एंड दूंगा। सो व्यूअर्स मैं अब इसकी जो यह अभी फिलहाल अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो ये थोड़ा सा इशू देगा कि अजीब सा देखे टैक्स देगा। मैं आपको बता दूँ फिलहाल उससे पहले, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखे, अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ और अगर मैं अभी इसको दिखाऊँ तो देखे ये देगा इशू। तो इस इशू का मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।